गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द बायजूस द एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, सबका बहुत बहुत स्वागत है। कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, ज्वाइन दिस सेशन वेरी फास्ट। दिस इज द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पार्ट टू फॉर द प्रीवियस ईयर IIT खड़गपुर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। जो ऑलरेडी हमने पहला पार्ट डियर स्टूडेंट्स डे बिफोर यस्टरडे कंप्लीट किया था, और आज डियर स्टूडेंट्स देखेंगे द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ऑफ कोर्स क्वाइट ह्यूज नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कंडक्टिंग हियर द सेकेंड सेशन, राइट। कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, हैव सम मूवमेंट इन द चैट बॉक्स। सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार डियर स्टूडेंट्स बायजूस एग्जाम प्रेप के ऊपर, राइट। चलो चलो भैया जल्दी से आ जाओ, हैव सम मूवमेंट इन द चैट बॉक्स। मुझे बताओ एम आई ऑडिबल एंड विजिबल परफेक्टली नाइसली सो दैट मैं आगे बढ़ू। चलो भैया आ जाओ जल्दी से। यस भाई, सेशन चालू हो चुका है पार्ट टू प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, IIT खड़गपुर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। यस चलो चलो भैया जल्दी से आ जाओ। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? चलो चलो चलो। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट मी। आई एम ओंकार, हैविंग मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग गेट एंड ESE। टिल नाउ आई हैव मेंटर्ड मोर देन 10,000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स एज वेल। सो चलो जल्दी से आ जाओ डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आ जाओ, करेंगे चालू। हेलो रूपाली, वेलकम वेलकम, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप के ऊपर। चलो चलो, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं आज। टुडे वी आर कंडक्टिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल रूपाली? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? चलो भैया, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वहां पे, थोड़ा बता दीजिए कि भाई सब कुछ ठीक, सब कुछ चंगा, सो मैं आगे बढ़ू। हाँ फैंटास्टिक, चलो चलो चलो। सो वेरी गुड वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, गो थ्रू दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। डियर स्टूडेंट्स, दिस बायजूस एग्जाम प्रेप हैज लॉन्चिंग दिस ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स फॉर दिस गेट एंड ESE एस्पिरेंट्स, ओके, एंड ऑल्सो विद दैट अनलिमिटेड live classes and the mock test to the practice, right? So go through the details, this vision gate 2022 course, okay, the details are here. For the rank up, it is going to be the excellent course dears, for the practicing the numericals, very good questions. So it is a practice type course dear students, we are going to conduct the practice for every subject here in this rank up gate course, okay. And of course, this Vision 2023 is the excellent course who are actually willing to write the examination, okay, in 2023, GATE or ESE, that is going to be the fantastic course, dears. See the course details, okay. And any query is there, you can contact us on this particular number, okay. So, chalo dear students, if everything is all right, we will go and start the session. Before that, just I'm reminding you dear students, this is GATE 2022, okay, the subject test, which is the general aptitude subject dear students, which is going to have on tomorrow, that is on 28th of September, okay, this mega mock challenge. So tomorrow it is there dear students, go and attain, right, this aptitude, general aptitude test is going to be there, okay, for this GATE 2022, okay. So chalo, let us start this particular टुडे सेशन. यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विद द मटेरियल साइंस. चलो भैया बता दो, द प्रोसेस ऑफ री हीटिंग द मार्टेनसेटिक स्टील टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस इन इट्स हार्डनेस इज नोन एज. चलो भैया जल्दी से बताओ. हियर यू आर हैविंग दिस गामा ऑस्टेनाइट, हियर यू आर हैविंग दिस गामा ऑस्टेनाइट, यू आर रैपिडली कूलिंग इट, ओके, विद इन नो टाइम, दैट इज अ थर्मल प्रोसेस वेयर वी आर गेट द नीडल लाइक स्ट्रक्चर हियर, दिस इज हार्ड एंड ब्रिटल मार्टेनसाइट, ओके, विच इज नॉट ऑफ एनी यूज, right? So actually we are again give some good mechanical properties to that, we are heating it, okay, at various temperatures, okay, just below the lower critical temperature,
to get certain properties so that it can be usable for the engineering applications. अरे हाँ है ना, सो कौन सा ये चीज होता है, अरे यहां पे जल्दी से बता दो, ये नॉर्मलाइजिंग होती है, एनालाइजिंग होती है, क्वेंचिंग तो नहीं होगा, एनिलिंग नहीं होगा, नॉर्मलाइज भी नहीं. तो डियर स्टूडेंट से क्या कहते हैं हम, दैट इज द सेकेंडरी हीटिंग ऑफ द मार्टेनसाइट विच इज ऑब्टेन्ड बाय रैपिड कूलिंग ऑफ द ऑस्टेनाइट. इट इज नोन एज द टेम्परिंग प्रोसेस. यू आर हैविंग लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर टेम्परिंग. जस्ट बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वी आर ऑल डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड वी आर गेटिंग हियर सॉर्वाइट, ट्रू साइट एंड द बेनाइट. And last, just below the 723 degree centigrade, जो हम करते हैं, that is a spheroidizing, globular form में carbides को क्या करते हैं, convert करते हैं, so that machinability of high carbon steels or the low carbon steels are getting improved in the spheroidizing. Okay, very good Dhruti Ranjan, very good. D Delhi is the correct answer. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Dear students, session को share कर दो, like कर दो. हमारे Byju's Gate ESE Champions YouTube channel को जल्दी से subscribe कर लो. Please come on, share this session very fast. Come on, share this session very fast. Good evening Dhruti, good evening, good evening. भैया जल्दी से लोगों को बता दो, सेशन चालू हो गया है. दोस्त लोगों को, फ्रेंड लोगों के साथ ये शेयर कर दो, लाइक कर दो सेशन को जल्दी से. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्टार्टेड, वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमने चालू किया है. पहला ही क्वेश्चन हुआ डियर स्टूडेंट्स, राइट? दिस इज ऑन द मटेरियल साइंस. आई होप इट इज ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द फॉलोइंग फोर अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस आर अवेलेबल इन द शॉप फ्लोर. द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू ड्रिल अ होल स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ओके, ऑफ 6 मिलीमीटर बाय 6 मिलीमीटर एंड 25 mm डीप इज. चलो बताओ जल्दी से. नो नो नो, स्पेरोडाइजिंग, सी नॉर्मलाइजिंग वी गेट द पर्लिटिक स्ट्रक्चर. ओके अंकित, वेरी गुड अंकित, जल्दी से आंसर बता दो. सो डेफिनेटली ये अगर मैं वॉल्यूम देखो तो 6 by 6 by 25, इट्स लार्ज वॉल्यूम, लाइक प्लाज्मा आर्क नहीं कर सकता, लेजर बीम नहीं कर सकता. ओके एब्रेस यूज नहीं कट कर सकता, लेजर इतनी नहीं निकाल सकता वॉल्यूम. ओके सो कौन सा निकाल सकता है अच्छी तरीके से, चलो जल्दी से बताओ, प्लाज्मा या ईडीएम. चलो चलो सौरभ, चलो जल्दी से आ जाओ. मोहम्मद, अदीप, अबीद, अंकित त्रिपाठी, वेलकम. नॉर्मलाइजिंग, सी नॉर्मलाइजिंग दोनों के, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील और हाइपोयूटेक्टेड स्टील के अबो 50 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है. नॉर्मलाइजिंग का अगर हीट ट्रीटमेंट आप देखोगे तो ये ऐसा होता है, राइट? सो इट इज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द हाइपोयूटेक्टोइड स्टील्स. ओके और ये अगर मैं देखूं तो इट इज अ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर दिस हाइपरयूटेक्टोइड स्टील्स. सो ये दोनों के ऊपर जाता है डियर स्टूडेंट्स. ओके 50 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन दिट. और ये जो हम टेम्परिंग जो करते हैं वो 727 से नीचे ही करते हैं. ओके समझ में आया, ये जो मैं आप पूछ रहे थे मुझे. ओके सो बेसिकली ये रहा तुम्हारा पूरा टेम्परिंग प्रोसेस. इसके नीचे ये जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसके नीचे तुम्हारा ये जो है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है. फॉर दिस इज 0.8% यूटेक्टोइड. ओके ये तुम्हारा है हाइपोयूटेक्टाइड स्टील जिसका ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है, उसके ऊपर 50 डिग्री सेंटीग्रेड. और ये है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए, ये उनका ACM लाइन है, ये जहाँ पे लास्ट ट्रेस ऑफ आपका Fe3C है, उसके बाद पूरा का पूरा ऑस्टेनाइट दिखेगा. सो ये जो है देखो, ये इसका संबंध ही नहीं नॉर्मलाइजिंग का, और इसका कोई संबंध ही नहीं दूर दूर का. ये तुम्हारा स्पेरोडाइजिंग इसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हो रहा है. ओके वेरी गुड. ईडीएम इज द करेक्ट आंसर. ईडीएम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. यू कैन वेरी नाइसली डू दैट. ओके प्लाज्मार्क में बहुत मटेरियल रिमोल्व हो जाता है, 150 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, विच इज वेरी वेरी हाई. इसकी कोई जरूरत नहीं. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. भैया चलो जल्दी से आ जाओ, कहाँ गए सब लोग. फॉर द सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मैच द ग्रुप ए विद द ग्रुप बी. सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज ड्वेल, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, ये तो हमको पता है भैया. G02 और G03 जो कोड है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए है. अगर वो इंटरपोलेशन सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज है तो इट इज G02 से होता है.
अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम किससे देते हैं, G03 से देते हैं। अगर आपको टूल स्टॉपेज फॉर द फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका टूल स्टॉप हो रहा है, फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, नॉट द इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसे बोलते हैं ड्वेल, ये देते हैं G04 से। और अगर होल्ड करना है इनफाइनाइट पीरियड के लिए स्टॉपेज है तो वो होता है G05, दैट इज होल्ड। ओके, और पॉइंट टू पॉइंट काउंटरिंग के लिए, फास्ट आइडियल टाइम कंप्लीट करने के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी जब ट्रैवल करता है टूल, वो होता है G00। ओके, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ भैया, कहाँ गए सब लोग? यस अंकित, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, P3, यह आएगा P3, ड्वेल आएगा 3, सॉरी P2 आएगा, P2 आएगा, Q4 आएगा, R आएगा 1 2 4 1। ये कहां पे गया? टू ड्वेल है तुम्हारा, 4 यहां पे लिखने में, लेकिन ये याद रखना, ये तो मैंने सही बताया आपको, G02 है आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, G03 है, ये सही है बिल्कुल, P2 है, Q3 है, बराबर Q3 है, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, ये 1 है। सो मतलब ए आ जाएगा, ए ए ए ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, ए आ जाएगा। बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स, सेशन चालू हो चुका है, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आना बाकी है। चलो आगे बढ़ते जल्दी से, आगे बढ़ते जल्दी से, मतलब ये तो बता दिया आपको, ये सब जी कोर्स आपको पता है, एम कोर्स आपको पता है, ओके है कि नहीं? चलो G00 जल्दी से बताओ, ये रैपिड ट्रैवर्स है, रैपिड ट्रैवर्स है, G01 ये लीनियर इंटरपोलेशन है, G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज, G04 ड्वेल, G05 होल्ड, ओके, G08 एक्सीलरेशन ऑफ द टूल, G09 स्पीड रिडक्शन फॉर द एग्जैक्ट स्टॉपेज, दैट इज रिटार्डेशन, यस और नो? सो लाइक दैट यू आर हैविंग G70, G71 इंक्रीमेंट, दैट इज मेट्रिक इंचेस, जेन G90 एब्सोल्यूट, G91 इंक्रीमेंटल, दीज आर दी ऑल जी कोड्स आर देयर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 400 मेगा पास्कल एंड द इलॉन्गेशन अप टू द मैक्सिमम लोड इज 35%। इफ द मटेरियल ओबेज द पावर लॉ ऑफ हार्डनिंग, देन द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिलेशन इन द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज इज, सो सी हियर, द इलॉन्गेशन इज गिवन, दैट इज नॉमिनल स्ट्रेन इज गिवन 0.35। ओके, सो हियर यू कैन वेरी नाइसली कैलकुलेट, इप्सिलॉन इज इक्वल टू वॉट, ln ऑफ 1 प्लस ई, सो ट्रू स्ट्रेन यू कैन कैलकुलेट ln ऑफ 1 प्लस 0.35, दैट इज गोइंग टू बी ln ऑफ कितना आएगा बताओ, ln ऑफ 1.35 कितना आएगा, 0.3 आपका आया ट्रू स्ट्रेन। ओके, अब यहां पे देखो, मैक्सिमम लोडिंग बोला है, मैक्सिमम लोड के लिए बोला, याद रखना, मतलब थ्योरी ऑफ इंस्टेबिलिटी वैलिड है, क्या वैलिड है कि मतलब स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट और यहां पे ट्रू स्ट्रेन जो है क्या होगा, सेम होगा, अरे हाँ है ना, और यहां पे नॉमिनल स्ट्रेस आपका क्या दिया है, दैट इज UTS, नॉमिनल स्ट्रेंथ कितनी दी है, नॉमिनल स्ट्रेंथ कितनी दी है, ओके, दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, दैट इज 400 दिए, 400 मेगा पास्कल दिए। ओके, सो चलो ट्रू स्ट्रेस निकालो, ट्रू स्ट्रेस क्या आता है, दैट इज सिग्मा एन इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ई, दैट इज सिग्मा एन कितना दिया आपको, 400 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ई कितना है, 0.35, बताओ कितना आया सिग्मा टी, ट्रू स्ट्रेस कितना आया, दैट इज 400 मल्टीप्लाई बाय 1.35, अगर मैं निकालूँ तो आएगा 540, लेकिन हमको कौन से फॉर्मेट में लिखना है, पावर लॉ के फॉर्मेट में लिखना है, मतलब सिग्मा टी इज इक्वल टू के इंटू इप्सिलॉन टू द पावर एन, एन तो पता चला हमको, एन कितना है रे, एन और इप्सिलॉन सेम है, मतलब ये वैल्यू आएगी 0.3। अब के पता नहीं हमको, के दैट इज स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट पता नहीं, तो निकालो, इससे निकाल सकते हैं, सिग्मा टी हमको पता चला 540 मेगा पास्कल है, तो क्या आएगा, 540 इज इक्वल टू के अननोन है अपना, इंटू इप्सिलॉन कितना है, 0.3 टू द पावर 0.3, निकालो कितना आया, 0.3 टू द पावर 0.3, और ये 540 डिवाइडेड बाय ये 0.3
6968, यह आया गया आपका 774.92, नियरली इक्वल टू मैं 775 पकड़ू तो कोई बुराई वाली बात नहीं होगी। यह आ गया आपका स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट 775। यस सर नो, आसानी से आप बता दो क्या होगा। देखो देखो, पावर लॉ किसे लेते हैं, दैट इज हॉलोमन लुडविग इक्वेशन भी आप उसको कह सकते हो, सिग्मा टी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट इनटू एप्सिलॉन टू द पावर एन। अब ये मैक्सिमम लोड पे, ब्रेकिंग पॉइंट पे, फ्रैक्चर पॉइंट पे इंस्टेबिलिटी वैलिड होती है, मतलब जहां पे स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट और आपका ट्रू स्ट्रेन जो सेम रहता है, मतलब यहां पे भी लिख सकता हूं सिग्मा टी इज इक्वल टू के कितना निकाला 775 इंटू इप्सिलॉन टू द पावर एन कितना है मेरा 0.3। तो बताओ यहां से कौन सा इक्वेशन सही से मैच हो रहा है पावर लॉ के लिए, दैट इज 775, ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन, लेकिन भाई ट्रू स्ट्रेन टू द पावर क्या है 0.3। सो यस, बी बॉम्बे अपना बिल्कुल सही मैच हो रहा है, बी बॉम्बे। अरे आया कि नहीं, बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, इजंट इट। अरे हाँ है ना, यही तो है अपना पावर लॉ। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में कोई अगर कर्व, हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको फ्लो कर्व को, ये फ्लो कर्व है, क्योंकि भाई अप टू यील्ड पॉइंट कौन सा यहाँ पे वैलिड है लॉ, हुक्स लॉ वैलिड है, उसके बाद हुक्स लॉ तो वैलिड नहीं है। डिफॉर्मेशन में आप जो स्ट्रेसेस इंड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, वो मोर देन द यील्ड एंड लेस देन द अल्टीमेट। सो ये जो है, ये जो रीजन है, वो रीजन जो है पावर लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सिग्मा फ्लो और सिग्मा टी इज इक्वल टू के इंटू इप्सिलॉन टू द पावर एन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो मानस, सौरभ, अभिषेक, फैंटास्टिक। चलो भाई सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से। यस, फ्लैटनेस ऑफ द मशीन बेड कैन बी मेजर्ड यूजिंग बाय फ्लैटनेस और सम एंगुलर डिविएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द एंगल्स, नॉट द एग्जैक्ट द एंगल, बट एंगुलर डिविएशंस, टेल मी वेरी फास्ट, आर मेजर्ड बाय हुम, किससे मेजर्ड करते हैं हम फ्लैटनेस और एंगुलर डिविएशंस आर मेजर्ड बाय हुम। चलो चलो जल्दी से बताओ। यस इट इज बाय द ऑटो कॉलीमेटर। यस यस, बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो भैया, आज का पेपर किसका किसका हुआ है, बहुत बढ़िया। ये था आपका मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। हाँ चलो जल्दी से करो इसका सॉल्व। हाँ, द डायमीटर ऑफ द रिसेस्ड रिंग वॉज मेजर्ड बाय यूजिंग टू स्पेरिकल बॉल्स, एक बड़ा बॉल दिया है डायमीटर D2 का, एक छोटा बॉल दिया है डायमीटर D1 का, ओके, और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिसेस टॉप टू दिस सरफेस ऑफ द बॉल H1 एंड H2 डिस्टेंसेस आर गिवन, ओके, कैपिटल H इज द कंप्लीट हाइट हियर एंड कैपिटल D इज हियर द इनसाइड डायमीटर ऑफ दिस रिंग, ओके। सो चलो भैया कैलकुलेट करो क्या आएगा, कैपिटल डी, द डायमीटर कैपिटल डी आर आस्किंग, इफ सी हियर, इफ आई जस्ट हैव दिस कैपिटल डी, कैसे निकाल दूंगा रे मैं, सो कैन आई राइट हियर, दिस इज द रेडियस दैट इज R2, दिस इज द रेडियस हियर R1 एंड दिस इज द डिस्टेंस हियर AB, कैन आई राइट हियर, इट मे बी AB प्लस हियर R1 प्लस हियर R2, दिस इज द कैपिटल डी, यस और नो। सो यू नो दिस डिस्टेंस AB, दैट इज रेडियस आर नो, रेडियस फॉर दिस R2 एंड R1 इज नोन, अगर R2 60 है तो डायमीटर 60 है, D2 60 है तो R2 कितना होगा 30 इज इक्वल टू D, दिस AB इज नॉट नोन, वी विल कैलकुलेट, एंड R1 कितना है रे, अगर पहले बॉल का डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, सो D इज गोइंग टू बी हाउ मच, 50 प्लस AB। Now only task left is what, to calculate the AB. So this is the AB. So using Pythagoras we can write AB is equal to what, root over this AC hypotenuse square, AC square minus BC square. Yes or no? Are hai na? So you can very nicely calculate AC. AC is what, this radius R2 plus R1. That is your AC. I will write here. See, simple things are there. बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री देखो आपको समझ आएगा। सो AB आई विल राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज AC हमने देखा, इट इज R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, ओके, और अगर मैं बात करूंगा इस BC की, तो BC कैसे लिख पाऊंगा,
अगर मैं टोटल एच टू प्लस ये आर टू ले लूँ, ये डिस्टेंस ले लूँ, उसमें से मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूँ, दैट इज एच वन प्लस आर वन, क्या मुझे मिलेगा बी सी? यस मुझे मिलेगा. सो मैं क्या लिख सकता हूँ, एच टू प्लस आर टू, ओके एच टू प्लस आर टू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, प्लस हियर एच टू प्लस आर टू, इसमें से अगर मैंने एच वन प्लस आर वन को घटा दिया, ओके सो मुझे मिलेगा ये मेरा बी सी और इसका स्क्वायर. बस वैल्यू पुट कर दो, आर वन कितनी है, आर वन प्लस आर टू मतलब 30 और 20, देखो आर वन है 20 और ये है आर टू है 30, तो हो गया 50. यस और नो? सो आई विल राइट हियर 50 स्क्वायर प्लस इनटू ब्रैकेट एच टू प्लस आर टू. एच टू कितना दिया देखो, एच टू प्लस आर टू 35.55 प्लस 30, ये हो गया तुम्हारा 35.55 प्लस 30 माइनस एच वन कितना है रे, एच वन आपका दिया है 20.55 और रेडियस है आर वन आपकी 20 मिलीमीटर. सो आई विल राइट हियर 20.55 प्लस 20 होल स्क्वायर. कैलकुलेट कैलकुलेट, चलो भैया कैलकुलेट करो जल्दी से, कितना आया ए बी, ए बी कितना आ रहा है, चलो बता दो जल्दी से. कैलकुलेटर्स भाई सबके पास होने चाहिए, कैलकुलेटर सबके पास होने चाहिए, बताओ. यस हाउ मच इट इज, हाउ मच इट इज, कितना आ रहा है भैया अभिषेक मानस, हाउ मच इट इज, 43 पॉइंट समथिंग. अरे भैया अच्छे से करो, अच्छे से करो कैलकुलेशन, 43.3 आ रहा है, 43.3 आ रहा है कि नहीं, 43. ए बी स्क्वायर रूट है भाई, ये भैया माइनस है, माइनस है भैया, ये चेक करो ना यहाँ पे क्या लिखा है फॉर्मूला, हाइपोटेनस में से बी सी गया तो आपको क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, आपने वैसे कर दिया, यहाँ पे माइनस है बेटा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये माइनस साइन है, हाइपोटेनस में से ये तुम्हारा माइनस हो गया है, देखो ना ये ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, बताओ माइनस है वहाँ पे. सो ये आपका आ जाएगा देखो 43.3 बराबर आ जाएगा, 43.3 मिलीमीटर जितना आ जाएगा, राइट. अगर ये 43.3 आ गया तो आपका डायमीटर डी पता है आपने क्या लिखा था, 50 प्लस ए बी लिखा था. सो 50 प्लस ए बी कितना है, 43.3 विच इज इक्वल टू हाउ मच, यस 43.3 आएगा, ये माइनस है यहाँ पे, माइनस है याद रखना, ये 50 स्क्वायर में से ये आपको माइनस करना है टर्म और उसका बाद में स्क्वायर रूट लोगे तो 43.3 आएगा. ओके बहुत बढ़िया, ये यहाँ पे माइनस है याद रखना, ये क्योंकि क्या था, हाइपोटेनस माइनस ये बी सी स्क्वायर था, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस दैट इज ए सी इज दिस हाइपोटेनस माइनस दिस बी सी, माइनस दिस बी सी. ओके सो आंसर क्या है आपका यहाँ पे, द रिंग गेज डायमीटर कितना आएगा, 93.30 मिलीमीटर. यस 93.30 कितना आएगा, यस डी बराबर 93.30 मिलीमीटर. वेरी गुड, ये आएगा तुम्हारा कैपिटल डी. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जा रहे डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन ज्वाइन द सेशन, बी विथ मी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा रहे, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग मतलब 2D कटिंग. ओके बहुत बढ़िया, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से रिडक्शन इन द फ्रिक्शन एंगल इंक्रीजेस द कटिंग फोर्स बाय 2D के लिए अपना मर्चेंट थियरी वैलिड है. ओके दैट इज 2φ माइनस बीटा, सॉरी सर दैट इज 2φ प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री. So let us write for the phi is equal to what, this 45 minus this beta by 2 plus alpha by 2. So see here, whenever you are having decrease in, that is reduction in friction angle beta, whenever reduction in the friction angle beta dear students, so yes your phi is going to decrease. And when the shear angle going to decrease, the shear strain in the metal cutting going to increase, and when the shear strain is increasing, cutting force is going to increase. Yes or no? So yes.
So that is statement P is definitely correct. Statement P is definitely correct. That is reduction in the friction angle increases the cutting force. Because why? Shear angle decreases. Shear angle decreases. Shear angle जितना अच्छा होता है याद रखना उतना कटिंग के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उतना कटिंग का स्ट्रेन क्या हो जाता है, घट जाता है. और कटिंग का स्ट्रेन जब घट जाता है तब अल्टीमेटली फोर्सेस, पावर कंजम्पशन, ये सब चीजें क्या हो जाती है, घट जाती है, याद रखना. ओके और दूसरी बात याद रखना यहाँ पे, जब भी शियर एंगल, ये रहा आपका शियर एंगल, ये तुम्हारा वर्क पीस है, ये दिखा रहा हूं मैं, देखो ये मैं आपको थोड़ा ज्यादा शियर एंगल लेके दिखाता हूं. ज्यादा शियर एंगल मैंने लिया तो ये क्या होता है, देखो चीप की जो थिकनेस है वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है. लेकिन अगर शियर एंगल कम रखा मैंने, ये देखो ये कम शियर एंगल है, ये ज्यादा शियर एंगल, तो ये जब कम होता है तो चीप की थिकनेस क्या हो जाती है, बढ़ती है. ओके सो मतलब मैक्सिमम फाइ टी मिनिमम, मिनिमम फाइ टी मैक्सिमम, दैट इज हियर थिनर चीप यू आर गेटिंग एंड हियर थिकर चीप यू आर गेटिंग. सो टेल मी हियर वॉट इज द आर्थ. सो रिडक्शन इन द फ्रिक्शन एंगल डिक्रीज द कटिंग फोर्स, नो. रिडक्शन इन द फ्रिक्शन एंगल इंक्रीजेस द चिप थिकनेस, रिडक्शन चिप थिकनेस को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. सी हियर रिडक्शन इन द फ्रिक्शन एंगल. सो फ्रिक्शन एंगल जब कम होगा, फ्रिक्शन एंगल कम होगा, फ्रिक्शन एंगल कम होगा, शियर एंगल कम होगा. और शियर एंगल कम होगा, शियर एंगल अगर कम होगा तो क्या होगा रे, ये तुम्हारा शियर एंगल जितना कम होगा उतना चिप क्या होती चली जाएगी, थिकर होती चली जाएगी, थिकर होती चली जाएगी. यस और नो? सो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट. वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन. ओके सो चिप थिकनेस इंक्रीज होगी, यस 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 डेफिनेटली. पी एंड आर, पी एंड आर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ओके नाइस क्वेश्चन, ये दो मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए डेफिनेटली. समझ में आया क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्या है समझ में आया कि नहीं? ओके और देखो शियर एंगल का डायरेक्ट रिलेशन होता है रेक एंगल्स के साथ, जितना रेक एंगल ज्यादा होगा उतना शियर एंगल ज्यादा होगा. देखो मैं आपको फंडा यहां पे लिख के देता हूं, याद रखना हमेशा ये कटिंग के लिए, जितना रेक एंगल बढ़ेगा उतना शियर एंगल बढ़ेगा, उतना जितना शियर एंगल बढ़ेगा उतना डायनामिक स्ट्रेन कम होगा, जितना डायनामिक स्ट्रेन कम होगा उतना आपका कटिंग फोर्स कम होगा, जितना शियर एंगल घटेगा, सॉरी रेक एंगल जितना कम उतना शियर एंगल कम, उतना स्ट्रेन ज्यादा उतना कटिंग फोर्स ज्यादा, याद रखना चाहिए. ओके समझे कि नहीं? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस यूटिलाइजिंग मेनली थर्मल एनर्जी फॉर द रिमूविंग मटेरियल. यस थर्मल एनर्जी के लिए ईडीएम है, लेजर बीम है, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक नहीं है, ईसीएम नहीं है, एब्रेसिव नहीं है, तो एक ही बचता है आपके पास, कौन सा? चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर, जल्दी से आंसर बता दो क्या रहेगा इसका आंसर, कम ऑन वेरी फास्ट. चलो चलो जल्दी से बता दो डियर स्टूडेंट्स. यस इट इज डी दिल्ली लेजर बीम मशीनिंग, डी दिल्ली लेजर बीम मशीनिंग. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. कटिंग टूल इज मच हार्डर देन द वर्क पीस, येट द टूल वियर्स आउट ड्यूरिंग द टूल वर्क इंटरैक्शन. भैया आपको तो पता है कि टूल एटलीस्ट 30-50% हार्डर होता है देन द वर्क पीस, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि टूल का वियर एंड टीयर हो रहा है. आपको पता है ये क्यों होता है रे, क्यों होता है टूल का वियर एंड टीयर? देयर आर द वेरियस वियर्स आर प्रेजेंट एट द इंटरफेस ऑफ द चिप और एट द इंटरफेस ऑफ द चिप एंड the rake face of the tool, that is you know abrasion is there, abrasive wear is there, then adhesive wear is there, right? And whenever such a kind of wears are happening there, okay, so material जो chip जो होती है dear students, जो microchips जो होते हैं, mini chips, जो छोटे छोटे particles होते हैं, वो generally high temperature की वजह से या फिर higher strains की वजह से, straining की वजह से hardening वहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है. ये सीवियर स्ट्रेन रेट्स वहां पे हो जाते हैं पैदा या आते हैं. उस स्ट्रेन की वजह से चिप जो पार्टिकल्स है उसके अंदर क्या होता है, हार्डनिंग टाइप हो जाता है, चिप हार्डनिंग हो जाता है या उसकी वजह से थोड़ी माइक्रोचिप्स या पार्टिकल्स थोड़े और ज्यादा हार्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सीवियर रेट्स ऑफ द स्ट्रेन. यस एंड दैट इज द रीजन वाई दे आर हैविंग द वियर ऑफ द पर्टिकुलर टूल ओके ऑन द सर्फेस राइट. सो डी यस बेस्ट केक डिजाइन, वेरी गुड बेस्ट केक डिजाइन, डी लेजर फॉर थर्मल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड.
So yes, here the extra hardness is imparted to the workpiece due to the severe strain rates. Yes, C Chennai is the correct answer. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कि जो एब्रेसिव की वजह से, एब्रेसिव एक्शन की वजह से वहां पे क्या हो जाता है, टूल वियर हो जाता है. राइट, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर. चलो भैया चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ इसका क्या है आंसर. टेम्परिंग, क्वेंचिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग. सो नॉर्मलाइजिंग में स्ट्रेंथनिंग एंड ग्रेन रिफाइनमेंट होता है, पर्लिटिक स्ट्रक्चर हमको मिलता है. यस दैट इज करेक्ट. एनेलिंग में क्या करते हैं, हम स्ट्रेसेस रिलीव करते हैं, थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस लाते हैं, डक्टिलिटी बढ़ाते हैं. क्वेंचिंग ऑफकोर्स ये हार्डनिंग में होता है, पहले सबसे पहले तो हम मटेरियल को क्या करते हैं, क्वेंच करते हैं. और टेम्परिंग में क्या करते हैं, जो भी आपको मार्टिनसाइट मिला है उसको क्या करते हैं, सेकेंडरी हीटिंग करते हैं टू इंड्यूस सम टफनेस, टू इंड्यूस सम डक्टिलिटी विदाउट लूजिंग मच हार्डनेस. राइट, सो बस बहुत बढ़िया सा मैंने आपको सभी चारों के बारे में बता दिया. यस, बता दो जल्दी से इसका आंसर. यस वेलकम सानिन, चलो जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर. टेम्परिंग पी टू पी टू क्यू थ्री आर आर फोर एंड यस वन, टू थ्री फोर वन, टू थ्री फोर वन बी बॉम्बे, टू थ्री फोर वन, टू टू थ्री फोर वन बी बॉम्बे. यस सौरभ सानिन, टू थ्री फोर वन बी बॉम्बे. यस बी बॉम्बे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलिंड्रिकल टॉप राइजर 6 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 6 सेंटीमीटर हाइट हैज टू बी डिजाइन फॉर द सैंड कास्टिंग मोल्ड प्रोड्यूसिंग अ स्टील रेक्टेंगुलर प्लेट कास्टिंग ऑफ 7 बाई 10 बाई 2 सेंटीमीटर क्यूब डायमेंशंस हैविंग द टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम 1.36 मिनट, दैट इज सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर द कास्टिंग इज 1.36 मिनट एंड दे आर आस्किंग द सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर दिस राइजर विच इज हैविंग 6 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 6 सेंटीमीटर हाइट इज हाउ मच. ओके यू नो डियर स्टूडेंट्स, यू टेक द एनी राइजर दैट इज टॉप सिलिंड्रिकल, साइड सिलिंड्रिकल, स्पेरिकल, यू नो द जनरली द इट इज ऑफकोर्स इट इज सिलिंड्रिकल, इट इज मॉड्यूलस इज डी बाई सिक्स, ऑलवेज मॉड्यूलस इज डी बाई सिक्स. एंड फॉर द मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग दैट इज वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाई सर्फेस एरिया ऑफ कास्टिंग दैट इज 7 बाई 10 बाई 2 डिवाइडेड बाई दिस 2 टाइम्स इफ आई राइट हियर दिस 70, इट इज 70 नो. चलो बताओ जल्दी से क्या है, 7 10 2. ओके 7 10 2, 7 10 दैट इज 70 प्लस 10 into 2 दैट इज 20 प्लस प्लस दैट इज लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, सो 2 into 7 दैट इज 14. I will write here it is 14. So tell me how much it is. That is 7 2s are 14, that is 140 divided by this is going to be how much, 90 104, that is nothing multiplied by 2, it is 208. Barabar ki nahi? So modulus of casting aa gaya. Yes, IIT Kharagpur theory part bahut hi acha puchte question. So you know that if I take this ratio that is tau r divided by tau c, you know tau is proportional to the modulus of that particular riser or casting whole square, so it is going to be mr by mc whole square, because tau is equal to k into v by as whole square, that is v by a is nothing but the modulus. So I will write here tau r, they are asking that is tau r is equal to tau c into modulus of the riser. मॉड्यूलस ऑफ द राइजर चलो कितना आया, डायमीटर कितना है 6 डिवाइडेड बाय 6, इट इज गोइंग टू बी 1. सो आई विल राइट हियर मॉड्यूलस ऑफ राइजर इज 1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग इज हाउ मच, दैट इज 140 डिवाइडेड बाय 208 होल स्क्वायर, दैट इज कास्टिंग कितने टाइम में ठंडा हो रहा है डियर स्टूडेंट्स. ओके कास्टिंग कितने टाइम में ठंडा हो रहा है, 1.36 मिनट में सॉलिडिफाई हो रहा है, 1.36 मल्टीप्लाई बाई विल राइट 208 डिवाइडेड बाई 140 स्क्वायर. सो बताओ सॉलिडिफिकेशन फॉर टाइम फॉर द राइजर कितना आया. ओके मोहिनी नो इन इश्यू, चलो चलो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बताओ कितना आया टाइम.
कितना आया? 3 मिनट्स, 3 मिनट्स आया। दैट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर द राइजर। कितना आ रहा है? 3 मिनट्स आ रहा है। देखो 3 मिनट्स, अगर उन्होंने दिया था कास्टिंग के लिए 1.36 मिनट लगता है, तो राइजर के लिए कितना लगता है? 3 मिनट लगता है। देखो हमने सॉल्व किया, ओके, दिस इज द कास्टिंग क्वेश्चन। 3 मिनट लग रहा है भाई, 3 मिनट, 3.7 नहीं लग रहा, 3.7 नहीं लग रहा, 3 मिनट लग रहा है सानिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल रिमूवल इन द ईसीएम, यू नो दैट इज विच? फिक्स लॉ, फैराडेज लॉ, किरचॉफ्स लॉ और ओम्स लॉ। चलो जल्दी से बताओ। डेफिनेटली ओम्स लॉ तो नहीं है, किरचॉफ्स लॉ तो नहीं है, फिक्स लॉ तो नहीं है। दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोलिसिस। अरे हाँ या ना, बी बॉम्बे है कि नहीं? बी बॉम्बे, जल्दी से बता दो क्या है ये। दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। मैकेनिज्म क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस सिमिलर टू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ सम लिटिल बिट एडजस्टमेंट इन दैट टूल इक्विपमेंट वी आर हैविंग दिस सेम दैट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यस, बी बॉम्बे, बी बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी बॉम्बे, बी बॉम्बे, बहुत बढ़िया। अभिषेक, अनिकेत, अनुराग, सानी, अंकित। हाँ, स्क्वेयर करना है ना वहां पे, वो स्क्वेयर किया मतलब आपने किया, तो ये स्क्वेयर है। तो देखो वी बाय एस को बोलते हैं मॉड्यूलस, तो उसका स्क्वेयर होता है। हमको पता है सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है? दैट इज के इंटू दिस वी बाय एस होल स्क्वेयर। तो ऑफकोर्स एम आर का एम सी का क्या होगा? स्क्वेयर होगा। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, कुछ तो यहाँ पे एक सेकेंड, हो गया हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। चेक करो, चेक करो, चेक करो। देखो भाई आप चेक करो, वहां पे चेक करो। देखो कैल्सियम किधर गया मेरा, कैल्सियम इधर। सो 208 डिवाइडेड बाय 140, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये कितने समय में ये हो रहा था? 1.36 में 3 आ रहा है। अंकित, अंकित 3.00199 आ रहा है। अंकित देखो, अंकित, अंकित तो अभी भी डाउट है। अंकित देखो, 3 मैंने स्क्वायर किया है, स्क्वायर करके ही 3 आ रहा है। 208 डिवाइडेड बाय 140, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.36 करके देखो कितना आता है। ओके चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्या आएगा आंसर? हाँ, इसका आंसर एक्सपेंडेबल पैटर्न, जो पैटर्न कभी आपको मिलेगा नहीं, वो खर्च हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। यस, आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जहाँ पे वैक्स आपका निकल जाता है, या फिर पॉलिस्टेरिन भी ये एक्सपेंडेबल में आता है, क्योंकि पॉलिस्टेरिन भी क्या हो जाता है? फोम क्रिएट करके ही वो ऑपरेट हो जाता है। सो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोलो, या फिर ये आपका पॉलिस्टेरिन जहाँ पे पैटर्न यूज होता है, वो भी क्या है? वो भी क्या है? एक प्रकार का एक्सपेंडेबल पैटर्न प्रोसेस है। ओके सो यस, डी डेल इज द करेक्ट आंसर, डी डेल इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। द मेन पर्पज ऑफ द स्पेरोडाइजिंग ट्रीटमेंट इज इम्प्रूव। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, किसी ने मुझे पूछा था कि भाई लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जो जस्ट प्रोसेस होती है, दैट इज कार्बाइड इज कन्वर्ट इन टू ग्लोबुलर फॉर्म। ग्लोबुलर फॉर्म में आता है, राइट? ग्लोबुलर फॉर्म में जो क्या करता है? मशीनेबिलिटी लोअर कार्बन स्टील की या फिर हाई कार्बन स्टील की, ना सॉरी लो कार्बन नहीं, लो कार्बन नहीं, मीडियम कार्बन स्टील की एंड हाई कार्बन स्टील की, ये मशीनेबिलिटी जो है, ये स्पेरोडाइजिंग प्रोसेस इंप्रूव करता है।
दूसरा दूसरा किसका, दूसरा भी स्क्वायर था क्या? चलो छोड़ दो, आंसर आ गया ना अपना सही, आंसर आ गया ना। 3 मिनट। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो बताओ यहां पे मैंने आपको स्पेरोराइजिंग के बारे में बताया था, कार्बाइड ग्रुबुलर फॉर्म में आ जाता है। चलो क्या होता है इसको, सो मशीनेबिलिटी ऑफ द मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील वो क्या करता है, इंप्रूव करता है। यस, सो मशीनेबिलिटी ऑफ द हाई कार्बन स्टील इज बेसिकली गेट इंप्रूव्ड बाय दिस स्पेरोराइजिंग प्रोसेस। ओके, जस्ट बिलो दी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, 727 डिग्री के नीचे हम करते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हीट ट्रीटमेंट के ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। यंसी, कंटूरिंग, कंटूरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कंटूर आपको मशीन करने हैं एनसी से लेके, कर्वेचर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ओके, सो ये क्या है, कंटिन्यूस पाथ पोजिशनिंग, पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग, इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग। भाई एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल की तो ये अलग अलग टाइप है। ओके, वो हमको डायमेंशन हम इससे लेते हैं, राइट। रेफरेंस अगर मैं हमने कुछ रेफरेंस पॉइंट से लिया, ओके, सम 0 पॉइंट से, तो एब्सोल्यूट वो डायमेंशनिंग है, इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग है। ओके, सो पॉइंट टू पॉइंट एंड कंटिन्यूअस में क्या है, कंटूरिंग एग्जाम्पल, कंटूरिंग डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स ये पाथ पोजिशनिंग का एग्जाम्पल है। ओके, अरे हाँ है ना, यस इट इज ए कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग। पॉइंट टू पॉइंट में आपका क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, इट इज दैट इज हियर, ये आपका पॉइंट टू पॉइंट इटसेल्फ इज ए इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ द एनसी। ओके, बेस्ड ऑन द कंट्रोल सिस्टम, बेस्ड ऑन द कंट्रोल सिस्टम यू आर हैविंग द स्ट्रेट लाइन कंट्रोल सिस्टम, इन द स्ट्रेट लाइन कंट्रोल यू आर हैविंग दिस कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग। ओके, स्ट्रेट लाइन दैट इज कंटिन्यूअस, यस। एंड सेकेंड, वी आर हैविंग पॉइंट टू पॉइंट, लाइक ड्रिलिंग एग्जाम्पल ले लो आप, ले लो एग्जाम्पल पंचिंग ब्लैंकिंग का, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, दीज आर दी पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग एक्चुअली मेथड्स। ओके चलो नेक्स्ट, अ 4 mm थिक शीट इज रोल्ड विद द 300 mm डायमीटर रोल्स टू रिड्यूस द थिकनेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स विड्थ, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एट द वर्क रोल इंटरफेस इज 0.1, द मिनिमम पॉसिबल थिकनेस। सो यू नो दैट डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल थिकनेस वी कैन हैव हियर, दैट इज अ म्यू स्क्वेयर आर, म्यू इज गिवन 0.1 स्क्वेयर इन टू रेडियस इज हाउ मच, 150, टेल मी हाउ मच इट इज, टेल मी हाउ मच इट इज, दैट इज 0.1, 0.1 स्क्वेयर इन टू 150 कितना आया बताओ, 1.5, 1.5 mm, दैट इज अ डेल्टा एच मैक्स। एंड यू नो डेल्टा एच मैक्स अगर चाहिए तो मुझे क्या होना चाहिए रे, मैक्सिमम ड्राफ्ट अगर चाहिए तो मैं एच नॉट माइनस ये जो एच फाइनल जो मैं चाहता हूँ। ओके, द मिनिमम पॉसिबल थिकनेस ऑफ द शीट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द सिंगल पास, सो डेफिनेटली मेरे को क्या चाहिए, अगर मिनिमम पॉसिबल थिकनेस चाहिए तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन होना जरूरी है। सो विच इज इक्वल टू हाउ मच, 4 मिलीमीटर थिकनेस शीट है, 4 मिलीमीटर, ओके, ओरिजिनल माइनस एचएफ, जितना मिनिमम हो सके मुझे चाहिए टू हैव द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन ऑफ 1.5, तो बताओ कितना आया। सो 4 - 1.5 इज इक्वल टू योर फाइनल थिकनेस टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन ऑफ, यस इट शुड बी 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, यस, सी चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। 2 मार्क क्वेश्चन, सी चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, राइट। दिस इज अ रोलिंग क्वेश्चन, रोलिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े। इन एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द वोल्टेज एंड करंट आर 25 वोल्ट एंड 300 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, द हीट ट्रांसफर इज 85%, वेल्डिंग स्पीड इज 8 mm/s, द नेट हीट इनपुट, यू नो नेट हीट इनपुट इन जूल पर mm इज गिवन बाय ईटा एच टी इन टू दिस वी आई डिवाइडेड बाई स्मॉल वी, वेयर कैपिटल वी इज द वोल्टेज, आई इज द करंट, स्मॉल वी इज द वेलॉसिटी। ओके, सो इट इज 0.8 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इज हाउ मच 25, करंट इज 300, डिवाइडेड बाई वेल्डिंग स्पीड इज 8 mm/s, सो टेल मी द हीट इनपुट रेट इन जूल पर mm कितना आ रहा है भैया, कितना आ रहा है, 0.85 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ रहा है, 796.875, 796.875 जूल्स पर mm। चलो बताओ कितना आ रहा है, बी बॉम्बे, बी बॉम्बे सबका आ रहा है कि नहीं, देखो बी बॉम्बे, बी बॉम्बे आया कि नहीं आंसर, यस यस, शुभम 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 इज ऑल्सो देयर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 796, वेरी गुड, 796 जूल्स पर mm, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है अपने को सॉल्व करने हैं। यस, ग्राइंडिंग में
बताओ ग्राइंडिंग में आपको पता है ईच एंड एवरी एब्रेसिव अगर देखोगे तो ये ऐसे वैसे कुछ एब्रेसिव आपको दिखाई देंगे जो बाहर की तरफ कटिंग एक्शन कर रहे हैं। सो दे आर बेसिकली हैविंग द ह्यूज लार्ज निगेटिव रेक एंगल, 65 से लेके 80-85 तक का नेगेटिव का रेक एंगल होता है। ओके, नेगेटिव रेक एंगल होता है तो उसकी वजह से भैया कटिंग एक्शन कम होती है, रबिंग एक्शन ज्यादा होती है, और डेफिनेटली आपको शियर क्या मिलेगा, फिर कम मिलेगा, शियर एंगल बहुत कम मिलेगा। जितना लार्ज नेगेटिव एंगल होगा उतना कम शियर होगा और रबिंग एक्शन ज्यादा होगा, बराबर ना। और आपको पता है ये जो जो स्पीड, ये प्रोसेस जो है ग्राइंडिंग की, बहुत हाई कटिंग स्पीड से करते हैं, अराउंड 80 मीटर पर सेकेंड की कटिंग स्पीड होती है वहाँ, इतना लार्ज कटिंग स्पीड, वेरी हाई कटिंग स्पीड। ओके, तो बताओ क्या आएगा आंसर। अगर ईच एब्रेसिव ग्रेन इज व्यूड एज द कटिंग टूल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कटिंग पैरामीटर इज कॉमन ग्राइंडिंग ऑपरेशन, इन कॉमन ग्राइंडिंग ऑपरेशन। चलो बताओ, एक तो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा लार्ज नेगेटिव रेक एंगल होता है, हाँ अराउंड 65 से 80 नेगेटिव में, इतना ज्यादा होगा रेक एंगल नेगेटिव में तो डेफिनेटली कटिंग कम रबिंग ज्यादा होगा, इसीलिए स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी ग्राइंडिंग ऑपरेशन की बहुत बहुत हाई होती है कंपेयर टू द अदर ऑपरेशंस, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा रबिंग होता है। ओके, सो एमआरआर बहुत कम होता है, राइट। सो यस, ए अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर, ए अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये ग्राइंडिंग की मतलब एक स्पेशलिटी है भाई, ये ग्राइंडिंग ऐसा ही, इसीलिए तो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी या फिर स्पेसिफिक ग्राइंडिंग एनर्जी अगर मैं बोलता हूं तो बहुत हाई होती है कंपेयर टू अदर मशीनिंग प्रोसेसेस। बहुत बढ़िया, ए करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है। चलो बताओ, अरेंज कर दो इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मटेरियल रिमूवल। तो आपको पता है सबसे ज्यादा कौन होगा रे, ईसीएम होगा। आपको पता है 15,000 mm³/min जितना इसका क्या है, mm³/min जितना इसका मटेरियल रिमूवल है। अगर मैं बात करूँ लेजर बीम मशीनिंग की, सो बहुत ही कम, 5 mm³/min जितना इसका मटेरियल रिमूवल रेट है। ईबीएम का 10 mm³/min, ईडीएम का अराउंड 5,000, ईडीएम का कितना, अराउंड 5,000 mm³/min जितना क्या है मटेरियल रिमूवल रेट है। मतलब सबसे इसमें कम अगर बात करूंगा तो ये लेजर बीम है, सबसे हाई मटेरियल रिमूवल की बात करूंगा तो वो है ईसीएम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे पहले आएगा लेजर बीम मशीनिंग, यस। और खाली एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, दो ऑप्शन है, लास्ट में आएगा ईसीएम, पहला एलबीएम और लास्ट में ईसीएम। डी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। मिलिंग में क्या पॉजिटिव चाहिए, मिलिंग में क्या पॉजिटिव चाहिए, हाँ, यस यस, रेडियल पॉजिटिव, रेडियल रेक एंगल होता है, पॉजिटिव रेडियल रेक एंगल हर एक, अगर मिलिंग का टीथ आप, और बेसिकली जो अगर प्रोसेस अगर देखो तो सिमिलर, जो आपका अप मिलिंग प्रोसेस आप लेते हो, सेम तरीके से एनालिसिस जो हम करते हैं सरफेस ग्राइंडिंग का करते हैं सेम तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो ये खाली ग्राइंडिंग में ऐसा होता है, मिलिंग का जो है रेडियल रेक एंगल जनरली पॉजिटिव ही होता है। यस दैट इज करेक्ट। सो डी डेल इज द करेक्ट आंसर, डी डेल इज द करेक्ट आंसर भैया। बहुत बढ़िया, डी डेल इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। सबसे कम लेजर बीम, सबसे हाईएस्ट ईसीएम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस, रेक एंगल की बात करता है उसको रेडियल रेक बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चारपी, चारपी तो आपको पता है टफनेस टेस्ट है, चारपी टेस्ट है, आइजो टेस्ट है, नूप माइक्रो माइक्रो हार्डनेस मेजरिंग टेस्ट है, स्पाइरल टेस्ट, फ्लूडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल अगर चेक करनी है तो स्पाइरल मोल्ड में से हम क्या करते हैं, पास करते हैं अपना मोल्टन मेटल। ओके, और कपिंग जो टेस्ट होती है वो बेसिकली ड्रॉएबिलिटी के लिए, ड्रॉइंग ऑपरेशन के लिए, दैट इज फॉर्मेबिलिटी चेक करने के लिए। ओके, सो कपिंग टेस्ट करते हैं फॉर्मेबिलिटी के लिए। ओके, सो बताओ क्या होगा इसका मैच द पेयर जल्दी से। चारपी टेस्ट टफनेस के लिए, नूप हार्डनेस के लिए, स्पाइरल किसके लिए, फ्लूडिटी चेक करने के लिए, और कपिंग जो टेस्ट होती है ओके, वो किसके लिए, फॉर्मेबिलिटी के लिए। बहुत बढ़िया, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, डी डेली आ रहा है, डी डेली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी डेली इज द करेक्ट आंसर, डी डेली इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, मस्त मस्त। चलो एक बात समझ लेना दोस्तों, मैं फिर एक बात कह रहा हूं, आईआईटी खड़गपुर पेपर अगर निकालती है, आपको पिछली बार का जस्ट रिसेंट पेपर देख लो 2014 का, भर भर के प्रोडक्शन पूछा है भैया, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये फेवरेट है इनका, याद रखना ये चीज, मैं यहां से बोल रहा हूं आपको, डेफिनेटली आपको, अगर आपने प्रोडक्शन आपका मजबूत कर लिया ना, आप बहुत सारे मार्क्स मुट्ठी में कर सकते हो एक साथ। ओके, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, इन एन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन अनकट चिप थिकनेस दिया है 0.5, ओके, चिप थिकनेस दिया है 0.7, जल्दी से निकाल दो कटिंग रेशो आर, इट इज अनकट चिप थिकनेस 0.5 डिवाइडेड बाय कट चिप थिकनेस 0.7, कितना आया,
0.5, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 7 डायरेक्टली हो तो 0.714, 0.714 भैया शेयर एंगल होता है दैट इज टैन इनवर्स ऑफ आर कॉस अल्फा दैट इज आर 0.714 कॉस ऑफ रेक एंगल है 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.714 साइन ऑफ 15। चलो बताओ जल्दी से कितना आया। सो इनटू साइन ऑफ 15 1 माइनस आंसर 0.714 कॉस ऑफ 15 डिवाइडेड बाय आंसर टैन इनवर्स ऑफ आंसर 40.23 डिग्री। 5 मेरा आ रहा है शेयर एंगल 40.23, मतलब सी और डी में से कोई आंसर होगा। शियर स्ट्रेन निकाल दो गामा दैट इज कॉट ऑफ 5, क्या होता है भैया कॉट 5 प्लस टैन ऑफ 5 माइनस अल्फा, मतलब अगर ये मैं 40.23 ले लूं सो 1 अपॉन टैन ऑफ 40.23 प्लस टैन ऑफ ये 40.23 में से मैं डायरेक्ट ये एक एंगल 15 माइनस कर देता हूं तो 25.23 आता है। 25.23 टैन ऑफ आंसर लेता हूं तो ये आएगा 0.4712 और ये आएगा टैन ऑफ 40.23 1 अपॉन आंसर 1.18 प्लस 0.471। देखो स्ट्रेन आ रहा है मेरा 1.65 यही है 1.65 यही है राइट चॉइस बेबी। आहा यस 1.65 स्ट्रेन आ रहा है 1.65 स्ट्रेन आ रहा है और मेरा शियर एंगल जो है कितना आ रहा है 40.23। डी डेली ये देखो 6 मार्क का क्वेश्चन है। पता है आपको ये जो क्वेश्चन अभी जो करवा रहा हूँ ये 2006 में 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा था। 3 बिट है इस क्वेश्चन के, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये दूसरा क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेस। चलो कटिंग थ्रस्ट फोर्स दिया है 200, कटिंग फोर्स दिया है 1200। आपको बताएं म्यू क्या होता है, एफ सी टैन अल्फा प्लस एफ टी डिवाइडेड बाय एफ सी माइनस एफ टी टैन अल्फा। चलो एफ सी कितना दिया है भैया, एफ सी दिया आपको 1200 टैन ऑफ 15 प्लस थ्रस्ट फोर्स कितना दिया है दैट इज फीड फोर्स कितना दिया है 200 डिवाइडेड बाय 1200 माइनस 200 टैन 15। चलो भैया बता दो कितना आया, 1200 टैन 15 प्लस 200 भाग्या 1200 माइनस दिस 200 टैन ऑफ 15 0.4549 नियरली मैं ले सकता हूँ 0.46। अरे आएगी नहीं म्यू इज इक्वल टू हाउ मच, वेरी गुड भैया। देखो दो 4 मार्क्स मिल गए। अब जो और 2 मार्क है वो कैसे है, देखो द परसेंटेज टोटल एनर्जी डिसिपेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन एट द चिप टूल इंटरफेस। आपको पता है ये है आपकी चिप और जो सबसे ज्यादा हीट डिसिपेट होगी वो होगी प्राइमरी शियर जोन में अराउंड 70-75% ऑफ एनर्जी, अप टू 80% ऑफ एनर्जी गेट डिसिपेटेड देयर। जो नेक्स्ट हाईएस्ट होती है, नेक्स्ट हाईएस्ट मतलब ये तो नहीं होगा भाई, नेक्स्ट हाईएस्ट होती है जो 25-30% जो एनर्जी कहाँ पे जाती है, ये सेकेंडरी जोन कहाँ पे मतलब चिप एंड टूल का इंटरफेस, और 5-10% ज्यादा ज्यादा मैं बोलूँ तो वो जाती है फ्रिक्शन बिटवीन द वर्क एंड द चिप, सॉरी वर्क एंड द टूल। ओके सो डेफिनेटली कौन सा सही आंसर है इसमें से, 25-30% यस, 25-30% यस, सो ए इज द करेक्ट आंसर। यही तो जाती है सेकेंडरी जोन है ना ये, देखो फ्रिक्शन बिटवीन द चिप एंड द टूल इंटर दिस फ्रिक्शन बिटवीन द चिप इंटरफेस चिप एंड टूल इंटरफेस यही तो है भैया। अगर 75-80% शियर में जाती है तो 58% कहां से बची अनुराग, और उसमें भी तुम्हारे पास बचे हुए में तुम्हारे पास ये भी तो है तीसरा जोन टर्सरी जोन जो फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस के बीच में है, मतलब 58 से तो कमी होगी, जनरली 25-30% तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये राइट। सो ये आपको बिना कुछ समझे आपको खाली अगर बेसिक नॉलेज है मेटल कटिंग का तो आपको ये आंसर आ जाएगा। 6 मार्क्स आपको मिल गए 6 मार्क का क्वेश्चन था ये 2006 का आईआईटी खड़गपुर।
चलो बताओ एब्रेसिव मटेरियल यूज्ड इन द ग्राइंडिंग व्हील सिलेक्टेड फॉर द फेरस एलॉयज। जैसे कि स्टील की बात करूं, फेरस मटेरियल स्टील, ब्रॉन्जेस, अल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज होता है। जैसे हार्डन मटेरियल के लिए जाता हूं मैं, कास्ट आयरन में ले लूँ, ब्रॉन्जेस ले लूँ, सॉरी ब्रासेस ले लूँ, या फिर हार्ड एलॉयज ले लूँ, कार्बाइड्स ले लूँ, उसके लिए मैं सिलिकॉन कार्बाइड यूज करता हूँ। सो सिलिकॉन कार्बाइड किसके लिए होता है, किसके लिए होता है? हार्ड एलॉयज के लिए, कार्बाइड्स के लिए, कास्ट आयरन के लिए। तो ये नहीं यूज करूंगा। डायमंड तो भाई करने का सवाल नहीं, इतना ज्यादा पैसा किसके पास है, अननेसेसरी। ओके, बोरान कार्बाइड भी है लेकिन वो जल्दी से लॉस्ट हो जाता है। ओके राइट, सो बेसिकली हमारे पास है अल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड, दो चीजें जिसमें से हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी सी सी, अल्यूमिनियम ऑक्साइड हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, राइट? अरे हाँ, है ना, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। कास्ट स्टील क्रैंकशाफ्ट सरफेस इज हार्डन बाय। कास्ट स्टील क्रैंकशाफ्ट, देखो क्रैंकशाफ्ट बोलो, कैमशाफ्ट बोलो, या कार के एक्सल्स बोलो, ये सब चीजें अच्छे से जो हीट ट्रीटमेंट होती है, सरफेस हीट ट्रीटमेंट। ओके, ये से किससे होती है, किससे होती है, जल्दी से बताओ। कास्ट स्टील क्रैंकशाफ्ट बोलो, कैमशाफ्ट बोलो, या फिर कार के एक्सल्स लिख दो वहां पे, लिख दो वहां पे क्या क्या, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, या फिर कार के एक्सल्स, कार एक्सल्स। बेसिकली ये जो करते हैं हम इसकी हीट ट्रीटमेंट, ये इंडक्शन हार्डनिंग से करते हैं। किससे करते हैं? इंडक्शन हार्डनिंग से, राइट? अरे हाँ, है ना, सो याद रखना ये किससे करते हैं जनरली, ये इंडक्शन हार्डनिंग से करते हैं। डी डेल इज द करेक्ट आंसर, डी डेल इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया जल्दी से, अपने पास टाइम बहुत कम है। डिस्पोजेबल पैटर्न मैंने बोला था, अगर वैक्स नहीं तो दूसरा कौन है जो डिस्पोजेबल है, जो वापस नहीं मिलेगा, जो टू अराउंड 200 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्ट होके निकल जाता है भैया, उसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है स्पेशली। ओके, जो क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है, राइट? ये है पॉलिस्टेरिन, डी डेली, डी डेली इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, एक तो वैक्स है और दूसरा ये पॉलिस्टेरिन है। सो इसके लिए इसको ड्राफ्ट अलाउंस देने की जरूरत नहीं, शेक अलाउंस देने की जरूरत नहीं, कुछ भी देने की जरूरत नहीं, एक बार सीधा बना दो। जनरली देखो आपके जो मशीन टूल के बेड्स होते हैं, इसमें पॉलिस्टेरिन का पैटर्न यूज होता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैटर्न आप किससे करोगे, रखोगे कहाँ, उसको हैंडल कैसे करोगे। सो डायरेक्ट ये क्या होता है, पॉलिस्टरिन से बना दिया मोल, और डायरेक्ट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन आपने फ्लो पोर कर दिया, ग्रे कास्ट आयरन विल रिप्लेस दिस पॉलिस्टरिन, पॉलिस्टरिन मेल्ट होके इवापोरेट होके निकल जाएगा। ओके, और आपको अच्छी तरीके से बेड मिल जाएगा मशीन टू। हाँ, डीप होल ड्रिलिंग ऑन द स्मॉल डायमीटर से 0.2 mm इज डन विद द ईडीएम बाय सिलेक्टिंग द टूल मटेरियल इज। चलो जल्दी से बता दो क्या है ये। देखो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज द रिजिडिटी ऑफ द टूल, जो कि टंगस्टन में सबसे बेटर है, यहाँ पे 0.2 mm ड्रिल को होल्ड करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो रेशो है वो बहुत अच्छा है। ओके, जो हम वियर रेशो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वॉल्यूम रिमूव डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वर्न आउट ऑन द टूल, ये बहुत ज्यादा है। मतलब क्या, जो टूल है मिनिमम वियर होता है। सो यस, ओनली डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कॉस्ट जो है आपको बियर करनी पड़ेगी, ये थोड़ा कॉस्टली है। सो टंगस्टन वायर ओनली, दैट इज इनफ, नॉट द कार्बाइड, टंगस्टन वायर, क्लियर, राइट? चलो भैया चलो आगे बढ़ो। इन कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस में आर्क इज डिफाइंड एज, आर्क इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं आर्क को? एक तो सेंट्रल पॉइंट, और उसके क्या होते हैं एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज दिस पॉइंट ए एंड बी। ओके, किससे होता है भैया, टू एंड पॉइंट्स एंड द सेंटर। अरे हाँ, है ना, कैड में तो ऐसे ही होता है ना, सेंटर, सेंटर, दिस इज सेंटर पॉइंट एंड दिस आर द टू एंड पॉइंट्स। यस, डी डेल इज द करेक्ट, डी डेल इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, डी डेल इज द करेक्ट आंसर। चलो ये निकाल दो, ये सॉल्व कर दो क्वेश्चन। हाँ, ये 25H8E8 आपको दिया है। ओके, ये आपको होल एंड शाफ्ट का आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है, डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम्स। ये बेसिक साइज है 25, ये है फंडामेंटल होल। ओके, ये है टॉलरेंस की ग्रेड। ओके, ये है शाफ्ट ई, एंड इसका है टॉलरेंस की ग्रेड। ओके,
राइट सो यहां पे पूछा क्या है, मैक्सिमम क्लियरेंस पूछा है, मैक्सिमम क्लियरेंस पूछा है माइक्रोन में कितना आएगा। सो नॉमिनल डायमीटर कितना है 25 mm, और इसका जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस जो है IT8 के लिए, ओके वो दे दिया डायरेक्ट आपको 33 माइक्रोन, मतलब शाफ्ट एंड होल के लिए 33 माइक्रोन ये टॉलरेंस है। ओके और फंडामेंटल डेविएशन ऑफ द शाफ्ट कितना है, -40 माइक्रोन, सब दे दिया है, सब दे दिया, मतलब सिंपल करके आपको क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे आपका कैपिटल एच जिसका टॉलरेंस है 0.033, मतलब 33 माइक्रोन, और यहाँ पे ये आपका समवेयर हियर, ये कैपिटल एच है। सो यहाँ पे अगर शाफ्ट में बोलूंगा स्मॉल ई समवेयर हियर, सो इसका फंडामेंटल डेविएशन दिया है -40 माइक्रोन का, मतलब -0.04 मिलीमीटर का। ओके इसके ऊपर भी टॉलरेंस कितना है 0.033 मिलीमीटर। ओके सो आपको पता है, देखो कैपिटल एच का जो फंडामेंटल डेविएशन कितना है रे, जीरो है, मतलब इसकी मिनिमम ऑफ दिस होल कितनी आ गई, मिनिमम ऑफ द होल तुम्हारा आ गया बेसिक 25 मिलीमीटर का, और मैक्सिमम ऑफ द होल कितना आ जाएगा भाई, टॉलरेंस ऐड कर दो कितना है टॉलरेंस 0.033 मिलीमीटर का, सो मैक्सिमम ऑफ द होल आएगा 25.033, हाँ है ना। अब देखो मैक्सिमम ऑफ द शाफ्ट, ये है तुम्हारा मैक्सिमम ऑफ द शाफ्ट कितना आएगा, मतलब 25 में से ये 0.04 मिलीमीटर, मतलब 25 में से 40 माइक्रोन गया, ये आपका आएगा मैक्सिमम ऑफ द शाफ्ट कितना आया 25 में से, 25 में से निकाल दो, 25 में से ये 0.04, 25 - 0.04 निकाल दो क्या आएगा 24.96, ये आएगा मैक्सिमम ऑफ द शाफ्ट, और मिनिमम क्या आएगा, ये 24.96 में से उसका टॉलरेंस माइनस कर दो 0.33, आंसर -0.33, ये आएगा 24.96 में से कितना टॉलरेंस है -0.03, कितना आ रहा है भैया 24.96 - 0.033, 24.927 आ रहा है, 24.927 ये तुम्हारा मिनिमम ऑफ द शाफ्ट आ रहा है, मिनिमम ऑफ द शाफ्ट आ रहा है 24.927 मिलीमीटर। अब निकालो आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम क्लियरेंस पूछा है, आपको पूछा क्या है मैक्सिमम क्लियरेंस, मतलब ये डिफरेंस आपको पूछा है, ये डिफरेंस मैक्सिमम ऑफ द होल माइनस मिनिमम ऑफ द शाफ्ट, ये है तुम्हारा मैक्सिमम क्लियरेंस। मैक्सिमम क्लियरेंस क्या है आपका, मैक्सिमम ऑफ द होल, मैक्सिमम ऑफ द होल माइनस मिनिमम ऑफ द शाफ्ट, मैक्सिमम ऑफ द होल कितना है आपका 25.033, 25.033 माइनस मिनिमम ऑफ द शाफ्ट आपने कितना निकाला 24.927, कितना आ रहा है देखो, ये तुम्हारा मैक्सिमम क्लियरेंस दैट इज 25.033 माइनस आंसर, ये आ रहा है 0.106 मिलीमीटर, मतलब कितना माइक्रोन 106 माइक्रोन, 106 माइक्रोन राइट। अरे हाँ या ना, देखो देखो सही से है कि नहीं, राइट डी दिल्ली आपका सही आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है आपका डी दिल्ली, डी दिल्ली 106 माइक्रोन, वेरी गुड वेरी गुड भैया वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो जल्दी से करो ये। सिलिंड्रिकल बिलेट 100 mm डायमीटर इज फोर्स फ्रॉम 50 mm हाइट टू 40 mm, मटेरियल फ्लो स्ट्रेस इज 580 MPa, फाइंड आउट द वर्क ऑफ डिफॉर्मेशन। वर्क ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज फोर्स एक्चुअल इनटू द चेंज इन थिकनेस, एच ओरिजिनल माइनस एच फाइनल। सो फोर्स एक्चुअल निकालो, कैसे निकालोगे, आपको डी ओरिजिनल कितना दिया है, देखो डी ओरिजिनल दिया है 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, डी फाइनल आपके पास नहीं है निकालना पड़ेगा, एच ओरिजिनल आपको दी है 50 mm, और फाइनल हाइट जो हो रही है वो 40 मिलीमीटर की हो रही है। तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी निकालो, निकाल दो वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी से डायमीटर निकालो, डी एफ विल बी डी ओ रूट ओवर एच ओ बाय एच एफ, डी ओरिजिनल 100 इंटू एच ओ कितना है 50 भाग्या 40, सो बताओ कितना आया, डी फाइनल कितना आया, डी फाइनल विल बी हाउ मच, डी फाइनल जल्दी से बताओ, सो 50/40 रूट ओवर आंसर इंटू 100, 111.8
डी फाइनल मेरा आ रहा है 111.80, 111.80 एम एम। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एफ मिनिमम इनिशियल फोर्स निकालना पड़ेगा कि जो आएगा सिग्मा फ्लो और सिग्मा वाई इंटू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिग्मा वाई कितना दिया है और सिग्मा फ्लो एवरेज 80 मेगा पास्कल दिया है, 80 मेगा पास्कल दिया है, निकालो। सो 80 इंटू पाई बाय 4, डायमीटर ओरिजिनल कितना था बिलेट का 100 mm, 100 mm, 100 mm स्क्वायर। सो बताओ कितना आया, 100 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25 पाई मल्टीप्लाई बाय 80 कितना आया, 628.31 किलो न्यूटन। ओके, इनिशियल मिनिमम आया। अब मिनिमम फाइनल पे कितना लगेगा निकालो, खाली फ्लो स्ट्रेस को क्या करना है या यील्ड स्ट्रेस को फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 4, डायमीटर फाइनल कितना आया 111.8 ओके होल स्क्वायर। सो बताओ 111.8 उसका स्क्वायर इंटू 0.25 पाई इंटू दिस 80, बताओ 785.35 किलो न्यूटन। ओके, अब क्या निकालना है आपको, एवरेज फोर्स। सो एफ एवरेज क्या होगा, अगर मैं ये 785.35 ये फाइनल था, इनिशियल मिनिमम कितना था मेरा 628.4, ये सब किलो न्यूटन में है, इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय 2। सो बताओ कितना आया, 785.35 प्लस 628.4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मेरा 706.875 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ पे फोर्जिंग की इफिशियंसी दी होती तो एफ एक्चुअल आता, क्योंकि इफिशियंसी दी नहीं है, एफ एवरेज डिवाइडेड बाय इफिशियंसी कर देके, यहाँ पे इफिशियंसी दी है क्या क्वेश्चन में, इफिशियंसी नहीं दी, तो डायरेक्टली निकालो आप वर्क डन। सो सबसे पहले निकालो वर्क डन, वर्क डन क्या होगा फिर, ये तुम्हारा एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय एच ओरिजिनल माइनस एच फाइनल, ये तुम्हारा है वर्क डन। चलो निकालो, दैट इज 706.875 इंटू 10^3 क्योंकि किलो न्यूटन है, इंटू एच ओरिजिनल 50 माइनस एच फाइनल 40। आई एम कैलकुलेटिंग द वर्क डन इन जूल्स, सो डेफिनेटली आई हैव टू टेक दिस डिस्टेंस इन मीटर। सो 10^-3, 10^3 गेट कैंसल आउट, इट इज 706.875 मल्टीप्लाई बाई 10, इट इज गोइंग टू बी 708.75 न्यूटन मीटर, दैट इज 708.75 जूल्स। दिस इज योर वर्क डन इन द डिफॉर्मेशन, राइट, दैट इज किलो जूल में 7.068 किलो जूल। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भैया हो गया यहां तक, ये जो है ये सिंपल ड्रॉप हैमर ऑफ 10 किलो न्यूटन इज यूज, सो यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ फॉल, वेर इज इट। सो दिस वर्क ऑफ डन इक्वेट टू दिस W इंटू एच, ये W इज गिवन, एच कैन बी कैलकुलेटेड। ये होमवर्क ले लेना, ये होमवर्क कर दो। ओके, सो ये भी ये आज का रहा होमवर्क आपके लिए, 2-3 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये भी होमवर्क है, और ये भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी भैया होमवर्क के लिए, राइट। सो यहाँ पे हाँ, ये कल का, ये परसों का होमवर्क था, ये निकाल दो, ये सॉल्व कर देते, चलो ये परसों मैंने होमवर्क के लिए दिया था, कितने लोगों ने किया। ओके, सो पूछा क्या है देखो, कास्ट एंड ब्लॉक ऑफ 200 mm लेंथ, डेप्थ ऑफ कट 4 एंड स्ट्रोक फीड इन mm पर स्ट्रोक दी है 0.25, नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक्स पर मिनट 60 दी है यूजिंग स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, द एवरेज पावर कंजम्पशन कैसे निकालोगे। एक तो सबसे पहले इन्होंने आपको ये एंगल दिया है, कौन सा एंगल दिया है, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल दिया आपको, लैम्बडा। ओके, लैम्बडा आपको दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे इसको आप ऑब्लिक में कन्वर्ट भी करोगे तो, मतलब ये देखो बी इंटू टी वन, ये जनरली बी होता है डी बाय कॉसियस और टी होता है एफ कॉसियस, सो ये तो कैंसल आउट होने वाली, ये तो कैंसल आउट होने वाले, मतलब अगर मैं एमआरआर निकालूं सबसे पहले, एमआरआर क्या होता है,
एमआरआर क्या होता है शेपिंग ऑपरेशन में, एफ इंटू एल इंटू एन इंटू डी, वेयर एफ होती है फीड लेंथ ऑफ द वर्क पीस, एल एन होते हैं नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनट एंड डी इज द डेप्थ ऑफ कट। फीड कितनी दी आपको देखो, फीड है 0.25, लेंथ है 200, दिस इज 0.25, लेंथ है 200, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स है 60, डेप्थ ऑफ कट है आपकी 4। ओके, ये आपका आ गया क्यू, राइट सीधा आ गया, मतलब ये इसके ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं। ओके, जाओगे तो भी क्या होगा, होने वाला है ये कॉस सी एस कैंसल आउट होने वाला है। सो ये आपका आ गया मटेरियल रिमूवल रेट, कितना आ रहा है मटेरियल रिमूवल रेट चेक करो। सो इट इज 12000 mm³ पर मिनट आ रहा है, यस और नो? और आपको पता है स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होती है, यूसी इज इक्वल टू योर पावर डिवाइडेड बाय एमआरआर। सो पावर इन्होंने पूछी है क्या होगा, यूसी इंटू क्यू। सो यूसी कितना आ रहा है आपका, यूसी आपको दिया है कितना, यूसी आपको दिया है स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी दी है 1.49 जूल्स पर mm³। यूसी आपको दी है 1.49 जूल्स पर mm³ और आपके पास क्यू है कितना, 12000 mm³ पर मिनट है, mm³ पर मिनट है। तो आपको अगर पावर चाहिए तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60। सो 12000 मल्टीप्लाई बाय 1.49, 12000 मल्टीप्लाई बाय 1.49 डिवाइडेड बाय 60, 298 वाट पावर आ रही है, कितने आ रही है, 298 वाट आ रही है। देखो चेक करो 298 आ रही है कि नहीं, देखो पावर डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। ये जो आपके पास एमआरआर है mm³ पर मिनट में है, पावर के लिए आपको मिनट नहीं आपको सेकंड की आवश्यकता है। सो मतलब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अरे हाँ या ना भाई, 1788 क्यों देख रहे हो, मैं ये क्या बता रहे हो मुझे, ये 1788 क्या है, ये 298 वाट आ रहा है, 298 बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब है ये, राइट बहुत बढ़िया। तो चलो भैया, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट देखो आज, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल साइंस भी मैंने कवर किया था इसमें, आज मैंने मटेरियल साइंस भी कवर किया था, समवॉट मेट्रोलॉजी के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किए थे। ओके, मेटल कटिंग, आपका एडवांस मशीनिंग मेथड, CIMS, सब चीज़ ऐड करके आज का ये सेशन बनाया था, दैट इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फॉर IIT खड़गपुर। ओके, कि जो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अरे भैया कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, समझ में आया कैसे क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट हिंट तो पता चली लगी कि भैया कैसे आते क्वेश्चंस, कैसा सेट करते हैं IIT खड़गपुर, ओके प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए। ओके, अरे हाँ या ना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको पता चली गया कि भैया नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो है वो आपको मिलने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले। तो भैया प्रोडक्शन को अब आपको लाइटली नहीं लेना है, राइट, मैक्सिमम उसके क्वेश्चंस, मैक्सिमम प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा, याद रखना। ओके, और प्रैक्टिस तो करवाता रहता हूँ मैं, जैसे देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं अपने बाहुबली रिटर्न्स में, 4 बजे रोज ऐप के ऊपर बायजूस ऐप के ऊपर जो सेशन रहता है, आज के खाली क्वेश्चन देखने का, मेटल फॉर्मिंग के कैसे हमने सॉल्व किए हैं। ओके, सो दीज आर आवर स्टार फैकल्टीज, धीरज सर, चंद्रशेखर सर, ओंकार सर, अनुभव सर, मुकेश सर, सोनू सर, सूरज सर, ओके फैंटास्टिक फैकल्टीज आर हियर ऑन द बायजूस। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। भैया ये जल्दी से अपना ऐप डाउनलोड कीजिएगा एंड फॉलो मी ऑन दिस बायजूस ऐप। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में, जय हिंद।